हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट्स में टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, रादर 2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर मेरे पुराने सेशंस रेफर करने हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, और साथ के साथ कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दो बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट करें। आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चंस ऑलरेडी हम काफी सॉल्व कर चुके हैं, बचे हुए क्वेश्चन भी आज हम लेके चलते हैं। और आज मैं सबसे पहले बात करूंगी एग्जाम्पल 5 की, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लो। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब ये पूरी इंग्लिश स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है फिगर में, और जैसे ही फिगर बनी हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो देखा, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को समझ के फिगर बनाते हैं। शेडो बन रही है। शेडो कहाँ बनती है? शेडो क्या वर्टिकल होती है या ग्राउंड पे होती है? बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे टाइप करके बताओ कि शेडो हॉरिजॉन्टल होगी ग्राउंड पे या वर्टिकल होगी एयर में। ठीक है, तो शेडो होगी हॉरिजॉन्टल। तो जो शेडो ऑफ टॉवर है, टॉवर है तो एक बार टॉवर बना ही लेते हैं ना हम। तो यहाँ पर हमारा ये टॉवर है। ठीक है, द शेडो ऑफ द टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब शेडो जो है, सन अगर हमारा इस डायरेक्शन में कहीं पे है तो शेडो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो यहां पर मैंने ये शेडो बना दी है। सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब कि जो सन है, सन का हम यहाँ पर अगर ले लें तो यहाँ पर सन के अकॉर्डिंगली जो हमारे एंगल्स हैं, 2 एंगल है, एक थोड़ा मैं पास बनाती हूँ और एक थोड़ा मैं दूर बनाती हूँ सेम पॉइंट से। ठीक है, इस तरह से दोबारा अगर हम बनाएं तो ये इस तरह से होगा, एक पास एक दूर। बता सकते हो पास वाला एंगल कौन सा होगा, दूर वाला एंगल कौन सा होगा? पास वाला एंगल जो होता है वो बड़ा होता है, तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, और दूर वाला एंगल जो है छोटा होता है। जितनी दूर एंगल जाएगा उतना छोटा होगा, जितना पास होगा एंगल बड़ा होगा। स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि जो लेंथ है ना शेडो की, वो लॉन्गर है, 40 मीटर लॉन्गर है 30 डिग्री के टाइम पे। तो 30 डिग्री का टाइम मतलब दूर का टाइम है, तो लेंथ जो है ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है वो बोल रहे हैं, 60 डिग्री के कंपेरिजन में 30 डिग्री का जो शेडो है 40 मीटर ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये 40 मीटर है। शेडो तो यहां से कंसिडर होगी, लेकिन 60 डिग्री की जो भी शेडो बन रही है उससे 40 मीटर ज्यादा होने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे ये लिख लू ए बी सी डी, तो सी डी यहाँ पे 40 मीटर है। ठीक है, तो आगे ये बात कर रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब ए बी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करनी है। तो इस तरह से हमारी फिगर बन चुकी है। अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने से पहले हम ये जो चीजें हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले ए बी लिखें। तो ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ रेडी है ना, और अपने नोटबुक में लिख रहे हैं ना, हाइट ऑफ द टॉवर कितनी है? ये हाइट ऑफ द टॉवर ये तो फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है ये। और हम लिखते हैं सी डी। सी डी क्या है? एक्स्ट्रा लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द शेडो। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ है और ये गिवन है कितनी, 40 मीटर ये एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पर। और 2 एंगल्स हैं, लिख देते हैं एंगल ए सी बी कितना है, लिखोगे कमेंट सेक्शन में, 60 डिग्री। और दूसरा एंगल है एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर टॉवर है, स्ट्रेट है, तो ये 90 डिग्री हम बना देते हैं।
ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लें छोटे वाली मतलब ए सी बी वाली, तो यहाँ पे दो जो डायमेंशंस हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं, जो उसकी साइड्स हैं गिवन नहीं है, एक साइड तो गिवन होगी तभी तो हम फाइंड करेंगे, तो एक ये प्रॉब्लम आ चुकी है। और अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो पूरी जो साइड है वो मेंशन नहीं है 40 मीटर का, अब क्या करें, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ बी सी को क्या करते हैं एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल ले रही हूं वो मैं हाईलाइट कर देती हूं इस तरह से। मैं पहले लेती हूं 60 डिग्री वाले ट्रायंगल, मतलब कि एबीसी, मैं यहां पे हाईलाइट करके दिखा रही हूं, ये हमारा एबीसी ट्रायंगल और ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। करें अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल एबीसी, और कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी को फाइंड करने चले हैं तो लिखते हैं ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर, ओके, और बी सी क्या है, बी सी है हमारा बेस। क्या होता है पी बाय बी, जल्दी से बताओ पी बाय बी क्या होता है, ये होता है टेंजेंट, और एंगल कौन सा 60 डिग्री एंगल। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ए बी तो हमें मालूम नहीं है, बी सी को बेचारे को तो हमने ले लिया एक्स इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। बताओ कमेंट सेक्शन में टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू, अब तक तो आपको याद होगी होगी, है ना। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो ए बी की वैल्यू यहां पर आ चुकी है √3 एक्स मीटर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल हमने यहां तक सॉल्व कर लिए, इससे ज्यादा हमारी हिम्मत नहीं है, छोड़ते हैं इसको बना के इक्वेशन वन। अब हम लेते हैं दूसरी बड़े वाली ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल मैं इसको बना देती हूँ, ये डी से ले जाते हुए ए तक, ए से बी तक, बी से वापस डी तक, तो हमारी ग्रीन वाली ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पे फोकस डालते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइन डाल के लिखती हूँ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ग्रीन वाली, ग्रीन नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे ए बी डी, कौन सा एंगल 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर फिर से ए बी ही फाइंड करना है, ए बी अपॉन, और ए बी के अपॉन में कंप्लीट ट्रायंगल में बेस जो यहां पर है वो है बी डी, तो ये फिर से बना हमारा पी बाय बी, और इस बार ये जो टेंजेंट है पी बाय बी 60 डिग्री नहीं, क्या है 30 डिग्री, इज इट। तो ए बी तो हम फाइंड कर रहे हैं, बी डी को रिप्लेस करते हैं हम डीसी प्लस बी सी, दिख रहा है आपको फिगर में, इक्वल टू, बताओ टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3। ओके बच्चा पार्टी, तो आगे हम सॉल्व करें, ए बी अपॉन डी सी 40, बी सी एक्स, लिखा 40 प्लस एक्स इक्वल टू 1/√3। ठीक है, आगे चले तो आगे हम लिखेंगे, ट्रांसपोज कर देते हैं ए बी इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, अब ये भी फर्दर क्या करें, रैशनलाइज तो कर सकते हैं, बाद में करेंगे, ये वाला ए बी वो जो पहले ए बी आया ना उसको इक्वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अगर बनता है हमारा, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं यहाँ पे, बाय इक्वेशन 1 और 2। क्या समझ में आता है इक्वेशन 1 और 2 से, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, दोनों का एलएचएस ए बी है तो क्या करेंगे आरएचएस के साथ, आरएचएस को करेंगे इक्वेट, क्योंकि दोनों का एलएचएस सेम है, तो हम लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन √3। अब आप सोच रहे होंगे ना, मैम ने यहाँ √3 पे रैशनलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं था, फाइनल आंसर आता है फिर हम सोचते हैं कि इस √3 का क्या करें, अभी तो ये सॉल्व होके देखो, √3 हम ट्रांसपोज करेंगे तो √3 × √3 तो 3x मिल ही गया यहाँ पे, इक्वल टू 40 प्लस एक्स, तो आगे सॉल्व करें 3x माइनस एक्स इक्वल टू 40, 3x माइनस एक्स हो गया 2x इक्वल टू 40, तो x यहाँ पे मिला हमें 20 मीटर। क्या है x, क्या हमें x चाहिए, हमें x तो नहीं चाहिए, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ टॉवर, मतलब ए बी हमने फाइंड करना है। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है 1 या 2 किसी में भी डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में डालते हैं ज्यादा इजी है, by putting the value of
एक्स एन इक्वेशन वन, ठीक है, तो इक्वेशन वन है ए बी इक्वल टू रूट थ्री एक्स, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट थ्री और एक्स को कर देते हैं रिप्लेस, तो ए बी कितना हुआ बच्चा पार्टी, ए बी हुआ 20 रूट थ्री मीटर। अब ये रूट थ्री का क्या करें, रूट थ्री में छोड़े या रूट थ्री को 1.732 से रिप्लेस करें, सोचो और जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, आपके बुक में भी है, कहीं पे भी रूट थ्री मेंशन नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, क्यों भाई हम एक्स्ट्रा टाइम लगाएं। बट हाँ यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द हाइट, किसकी हाइट, किसकी हाइट बताओ क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टॉवर, ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉवर इज कितना 20√3 meter। आंसर आ गया, क्या करेंगे एक साथ बोलो सब, हम करेंगे रेनबो में इसको बंद, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन ही है, एक बार देखते हैं स्टेटमेंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है, कहाँ देखना है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे देखना है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 degree, मतलब एक टॉवर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देखना है तो तब एंगल बनेगा 30 degree। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 degree, मतलब दोनों के एलिवेशन, एक के फुट से देख रहे हैं तो दूसरे के टॉप में, दूसरे के फुट से देख रहे हैं तो दूसरे के टॉप में, तो दोनों का हमारा इस तरह से चल रहा है। इफ द टॉवर इज 50 meter हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइंस बना देते हैं इस तरह से, एक बिल्डिंग के लिए और एक टॉवर के लिए। लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये आइडिया लगेगा एंगल से, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 degree, तो अगर हम एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर छोटे वाली, ठीक है, और फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर हम ये लेते हैं 30 degree, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 30 degree, और आगे बोला है 60 degree, तो ये हो गया हमारा 60 degree, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ये, यहाँ पर ये बना 60 degree और यहाँ पे ये बना 30 degree, ठीक है, कुछ आइडिया लगा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जितना ऊपर होगा उतना एंगल बड़ा होगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो कैसे हमें आइडिया लग रहा है, यहाँ पे देखो 60 degree है बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से 60 degree, तो यहाँ तो ये हमारा बिल्डिंग जो 60 degree है, मतलब ये जो एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, ये जरूर बड़ा होगा, ठीक है, तो हमारा टॉवर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है, क्योंकि बिल्डिंग के लिए अगर हम बात करें, बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है टॉवर के फुट से, वो 30 degree बन रहा है, तो थोड़ा नीचे देखना पड़ रहा है, तभी तो 30 degree बन रहा है, तो थोड़ा नीचे देखने का मतलब कि अगर हम बिल्डिंग के बॉटम में खड़े होकर देख रहे हैं तो टॉवर के लिए ज्यादा ऊंचा देखना पड़ेगा, मतलब आप एक बार यहाँ खड़े होकर देखेंगे, एक बार यहाँ खड़े होकर देखेंगे, इमेजिन करना बेसिकली, ठीक है, तो जब टॉवर के फुट पे खड़े तो बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं है, बिल्डिंग के लिए ज्यादा सिर ऊंचा नहीं करना, लेकिन जब बिल्डिंग के बॉटम में खड़े होंगे तो टॉवर के लिए ज्यादा ऊंचा सिर करना, तो ज्यादा ऊंचा सिर करने का मतलब ये 60 degree एंगल है, रफ फिगर है, आइडिया हो गया, टॉवर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं ना, एक बार क्लियर हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी मैंने ली बिल्डिंग, सी डी मैंने लिया टॉवर, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइट भी तो हमें गिवन है ना, 50 meter टॉवर दिया है, 50 meter हाई, तो ये 50 meter हमें टॉवर दिया हुआ है, और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये ए बी की वैल्यू निकालनी है हमने, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंग्लिश स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना है फिगर में, फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। ये 60-30 एंगल जरूर है, लेकिन ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये 90 degree होगा, और यहाँ पर भी कंप्लीट एंगल 90 degree होगा, तो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इसको एक बार ना फोकस डाल के हाईलाइट करते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ए बी डी, और यहाँ पर ये 90 degree ये हुआ ए बी डी का, और ये 30 degree हुआ, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल भी एक बार ले लेते हैं हम, ब्लू कलर के ले लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल हमारी ये है बी सी डी,
ठीक है, तो ब्लू रेड लाइन तो हमारी छुप गई, और हमारा ये 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है। तो दो ट्रायंगल हमें इजीली दिख रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम जो हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी बताओगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं एबी, लिखते हैं एबी क्या है बताओ? एबी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, राइट, मालूम है कितनी है? अरे कहाँ मालूम है, ये तो निकालनी है, तो ये क्या है क्वेश्चन मार्क। और हम लिखे सीडी, सीडी क्या है? हाइट ऑफ द टॉवर, ये मालूम है हमें, ये कितना है 50 मीटर। दो एंगल है, लिख देते हैं एंगल सी बी डी, अरे दो बार डी, सी बी डी, सी बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा एंगल हमें जो गिवन है ए डी बी इज इट 30 डिग्री। ओके जी, पहले कौन सी ट्राइंगल लें, ब्लू या रेड? सोच के बताओ जल्दी, कौन सी ट्राइंगल लेने से फायदा है? रेड लेते हैं, ए बी निकालना है, कैसे निकालें, सीडी तो मालूम नहीं है, तो पहले हम लेंगे ब्लू वाली ट्राइंगल। तो मेंशन करते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल डी 90 डिग्री है। ओके जी, तो यहाँ पे बी डी फाइंड करेंगे, तो बी डी ऊपर क्या है हमारे पास? हमारे पास है सी डी, तो बी डी माने क्या? बी डी माने बेस, सी डी माने क्या? सी डी माने पी, ऐसा समझ में आता है आपको? माने माने बी बाय पी माने cot, कौन सा एंगल माने, माने माने मत बोलो, सी डी बी बाय पी इक्वल टू cot, ब्लू वाले ट्राइंगल, ब्लू वाला एंगल 60 डिग्री इज इट। चलो भाई आगे, तो बी डी तो हम फाइंड कर रहे हैं, सी डी बता दो कितना है, सी डी है 50, ओके, cot 60, कमेंट सेक्शन में बताओ cot 60 क्या है? cot 60 है भाई 1/√3, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो bd इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 50/√3 मीटर, क्या लगता है, रैशनलाइज करूं? सोचो रैशनलाइज करें, क्यों करें, फाइनल आंसर थोड़ी ना, इतना ही मेहनत नहीं करेंगे हम। तो BD हमारा आ चुका है 50/√3। ले लेते हैं अब हम रेड ट्राइंगल, कौन सी है भाई रेड ट्राइंगल, नाम बताओ, ए बी डी, ओके जी। तो यहाँ पर अभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ए बी, और नीचे लिखेंगे बी डी, इजंट ए बी माने पी, BD माने B, P by D हो गया हमारा टेंजेंट, और रेड वाले ट्रायंगल का रेड वाला एंगल 30 डिग्री। तो AB तो हम फाइंड कर रहे हैं, BD पीछे फाइंड किया 50/√3 इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 1/√3। तो चलते हैं आगे, ट्रांसपोज AB इक्वल टू 50/√3 इंटू 1/√3, ओके जी, ठीक है, रैशनलाइज नहीं करेंगे, ये रूट थ्री ने बचा लिया हमें, एक और आ गया बचा लिया, 50/√3 इंटू रूट थ्री हो गया 3, ओके जी, छोड़ दे ऐसे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो भाई, आता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, करते हैं डिवाइड, 3 1s are 3, 5 minus 3 2 0, 3 6 the 18, 2 remainder, तो ये बना 16 2/3, isn't, लगाएंगे मीटर, छोड़ दें यहाँ पर, कभी नहीं, therefore the height, कौन, किसकी height, building या tower, building, height of the building, building equal to या is 16 2/3 मीटर। कर रहे हो कैलकुलेट मेरे साथ, रेनबो है आपके पास, करें हाईलाइट, ओके जी, और ये हमारा हाईलाइट आंसर इसका हो गया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 9.1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, बुक में मार्क करते रहो कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ो भाई, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, दो पोल हैं, दोनों की हाइट बराबर है, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, रोड है उसके दोनों साइड वो पोल्स,
इक्वल हाइट के हैं, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के बीच में कहीं पॉइंट है. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. दो पोल्स हैं, एक के साथ 60 डिग्री का एलिवेशन है, एक के साथ 30 डिग्री का, मतलब यहाँ साफ है, बीच में पॉइंट नहीं है, थोड़ा मतलब साइड पे है. तो वो जो दूर होगा उसका एंगल डिफरेंट होगा, जो पास होगा उसका एंगल डिफरेंट होगा. कैसे होगा अभी बताती हूँ. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों की जो हाइट इक्वल तो बता दी है, कितनी है नहीं बताई, पूछा है. और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, वो जो पॉइंट बीच में लिया ना रोड पे, वो कहाँ पर है. ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं ये दो पोल, ये पहला पोल आ गया और ये दूसरा पोल आ गया, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों के बीच में ये रोड भी आ गई. ओके जी, अब ये जो पॉइंट लेना ना बीच में तो नहीं है, कहीं पे कॉर्नर पे है, ये मैंने ले लिया. तो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के टॉप से बनेगा, ये बन गया दोनों टॉवर का एक एक करके ये बन गया. बता सकते हो कि ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा. दूर वाला एंगल कम होता है तो ये 30 डिग्री, पास वाला एंगल ज्यादा होता है 60 डिग्री. दो बातें आपने समझनी है जो कंफ्यूज करती है, ये क्लैरिटी करो. जितना एंगल दूर होगा उतना एंगल कम होगा, जितना एंगल पास होगा उतना एंगल ज्यादा होगा. ठीक है, ये बात समझ में आई. दूसरी बात कर रही हूं मैं, जितनी पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, टॉवर है, जितना वो बड़ा होगा उतना एंगल बड़ा होगा, अगर वो छोटा होगा तो एंगल छोटा होगा. बड़ा मतलब बड़ा एंगल, छोटा मतलब छोटा एंगल, दूर मतलब छोटा एंगल, पास मतलब बड़ा एंगल. लिखकर बताऊं ये हिंदी में, ठीक है. तो हम मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, है हिंदी में, इंग्लिश है हमारी. दूर ये लिखो आप कहीं पे, पास. दूर वाला जो एंगल है वो होगा स्मॉल, ठीक है. पास वाला एंगल होगा बिग, ठीक है. और अगर हम बात करें हाई, ऊंचा, हाई, हाई की बात करें तो एंगल होगा बिग, ठीक है. स्मॉल की बात करें तो एंगल होगा स्मॉल. ये दो चीजें आप समझ लो, ठीक है. ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस के हिसाब से दूर एंड पास, और ये हो गया हमारा हाइट के हिसाब से. ये अंडरस्टैंडिंग कर लो, आधा तो आपका 9.1 एक्सरसाइज है, 9 चैप्टर है ना, वो हो जाएगा क्लियर टर्मिनोलॉजी में. ये भी, ये टर्म्स भी आप ले लो, ठीक है. ये मैं कर रही हूँ इरेज, ये इंग्लिश वाले जो टर्म्स है मैंने कर दी इरेज. ओके जी, ठीक है. तो हमने कर दिया, दोनों टॉवर है, एक टॉवर हो गया हमारा ए बी, दूसरा टॉवर हो गया सी डी. दोनों टॉवर की जो हाइट है इक्वल है, तो इसकी एच ले लेंगे, तो इसकी क्या लेंगे, दूसरे सी डी की भी ले लेंगे एच. ये पॉइंट इन्होंने तो नहीं बताया ना कौन सा पॉइंट है, ले लिया पी. जो टोटल विड्थ ऑफ द रोड है ना, ये कितनी है, ये टोटल विड्थ क्वेश्चन में गिवन है 80 मीटर वाइड. तो मैं बी पी का जो डिस्टेंस है ना ये ले लेती हूँ एक्स. तो बताओगे पी डी का डिस्टेंस कितना होगा, बताओ. टोटल 80 है तो 80 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो दोनों पोल्स हैं इनकी हाइट कितनी है. एक की फाइंड कर लेंगे ए बी की, तो सी डी की भी वही आ जाएगी, एच की वैल्यू फाइंड करनी आ जाएगी, ठीक है. फिर ये जो पी पॉइंट है ना, ये दोनों पोल से कितनी कितनी दूरी पे है, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो 80 माइनस एक्स भी आ जाएगा. ये पी पॉइंट पोल वन से कितना दूर है और पोल टू से कितना दूर है, बस यही बात है, सिंपल कहानी. और ये पोल सीधे हैं तो ये 90 डिग्री भी बनेगा. ओके जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, करो मेरे साथ आप भी स्टार्ट, ठीक है जी. ओके, लिखते हैं ए बी इक्वल टू क्या, सी डी इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ पोल्स, दो पोल हैं पोल्स, ठीक है. तो आगे हम लिखते हैं बी डी क्या है, ये है विड्थ ऑफ द किसकी, रोड की, गिवन है 80 मीटर और हाइट ऑफ पोल्स को हम एच ले लेते हैं, एच मीटर. ओके जी, तो यहाँ पे लेट भी लगा देते हैं. ओके जी, यहाँ पे एक और लेट लगा देते हैं, लेट बी पी इक्वल टू कितना, एक्स मीटर. तो फिर बताओ भाई पी डी कितना होगा, पी डी, दिस इम्प्लाइज दैट पी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर. ओके जी, दो एंगल हैं, जल्दी से बताओ, ए
पीबी कितना 60 डिग्री, मतलब कि ए बी वाले पोल के पास है वो एंगल 60 डिग्री, ओके। और दूसरा एंगल है सी पी डी कितना 30 डिग्री, मतलब सी डी वाले पोल से वो पॉइंट क्या है दूर है, ओके। ठीक है, चलो जी सॉल्व करें, फोकस डालें ट्राइंगल्स पे। दिखाऊं मैं आपके लिए हाईलाइट करके, एक ट्राइंगल है मेरी रेड ए बी पी, अरे ए बी बी तक तो जाने दो, फिर पी तक जाने दो, फिर ए तक जाने दो, ओके। ये 90 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। दूसरे ले ले हम ब्लू, ओके जी। पी से जाते हुए सी तक, सी से जाते हुए डी तक, डी से जाते हुए पी तक, अरे एक बार फिर से आराम से जाते हैं, पी से जाते हुए सी तक, सी से जाते हुए डी तक, और डी से हम गए पी तक, ठीक है। और ये 90 और ये हमारा 30, ओके। रफ फिगर से चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या करें बच्चा पार्टी। दोनों ट्राइंगल्स हैं रेड और ब्लू, चाहे रेड पहले ले लो चाहे ब्लू पहले ले लो। तो रेड एंड ब्लू में दोनों में एच और एक्स, एच और एक्स वेरिएबल्स हैं, तो कुछ भी पहले ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले रेड ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी, और एंगल कौन सा 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री एंगल है हमारा बी का, ओके। तो एच फाइंड करें, एच को इक्वेट कर पाएंगे, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन क्या लिखेंगे बी पी। क्या है ए बी? परपेंडिकुलर, और बी पी बेस। क्या है पी बाय बी? पी बाय बी टेंजेंट। रेड वाला एंगल बताओ 60 डिग्री, ओके। ए बी को हमने लिया है एच, बी पी को लिया है एक्स, इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, बताओ मतलब कि √3। तो एच हमारा आ गया एक्स √3, ओके मीटर। इक्वेशन बना के छोड़ो। चलो ब्लू ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी पी डी कौन सा एंगल है 90 डिग्री? एंगल डी 90 डिग्री, ओके जी। तो यहाँ पे सी डी फाइंड करें, सी डी बाय पी डी, क्या हुआ सी डी बाय पी डी? ये हुआ पी बाय बी, पी बाय बी टेंजेंट, और इस बार टेंजेंट किसका? 30 डिग्री का, वेरी सिंपल। तो सी डी ले लिया हमने एच, पी डी ले लिया 80 माइनस एक्स इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। तो एच यहाँ पर आ गया 80 माइनस एक्स बाय √3, मिल गई हमें इक्वेशन 2। क्या करें बताओ कमेंट सेक्शन में। हम लिखेंगे बाय इक्वेशंस 1 and 2, करो कंपेयर दोनों का, LHS H तो RHS इक्वल, तो हम लिखेंगे x √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है। यहाँ नहीं किया था ना, रैशनलाइज क्यों करेंगे मिड वाले को, और ट्रांसपोज करें तो x √3 इंटू √3 बना के देगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, आगे मिलेगा 4x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर्स, ओके जी। ओके अभी 20 मीटर आ गया, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग, किसको पुट करेंगे, x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन कौन सी बताओ, इक्वेशन 1 में रखें, h फाइंड करना है ना, h इक्वल टू x की जगह 20 और √3 मीटर, ओके जी। अरे m सीधा हो जाए m, ओके। तो h हमारा आ चुका है, दोनों पोल्स की हाइट आ चुकी है, पोल्स हैं क्या टॉवर्स हैं, चेक करो क्वेश्चन में जाके देखते हैं पोल्स है या टॉवर है, कभी टॉवर आता है कभी पोल आ जाता है, पोल्स है, ठीक है। और उनके बीच का जो पॉइंट आया ना, जो सेंटर में तो नहीं है, कहीं पे है पी पॉइंट, वो 20 आ चुका है हमारा। तो लिखते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच इक्वल टू 20 √3 मीटर, ओके। और हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल्स
डिस्टेंसेस होगा आर। अब एक्स है ना, तो एक का है 20 मीटर और दूसरे का 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 60 मीटर, ठीक है। एंड 60 मीटर, ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। डालो भाई रेनबो में, हाईलाइट करते हैं हमारा, ये हमारा काफी बड़ा सा आंसर आया है। यहाँ पे दो चीजें हैं, इनको भी हाईलाइट करते हैं, ये क्यों अलग से, इसको अलग से कर देते हैं, 20 मीटर को भी कर देते हैं, तीन आंसर बन रहे हैं ना, ये सारे हाईलाइट कर देते हैं ताकि एग्जामिनर, आप भी ऐसे हाईलाइट करो, एग्जामिनर जो चेक करे उसको भी लगे हाँ जो जो चीजें पूछी थी ना सारे सारे यूनिट के साथ सब दे दिए है, ठीक है बच्चा पार्टी। स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब हमारे सामने आया क्वेश्चन 11, टिक लगाओ अपने बुक में, स्टेटमेंट पढ़ो मेरे साथ। अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल है उसके बैंक, उसके किनारे पे एक टीवी टॉवर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है आप देखो साथ साथ फिगर भी है, ये टॉवर है हमारा, ये बी पॉइंट जो है वो कैनाल का बैंक है और कैनाल का दूसरा किनारा सी पॉइंट है, ठीक है समझते रहो साथ साथ। ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टॉवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, दिख रहा है आपको 60 डिग्री सी पॉइंट पे। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है, देखो हमारा कैनाल है, कैनाल पे एक टॉवर है और इस टॉवर की अगर हम बात करें तो ये कैनाल के दूसरे किनारे पे, कैनाल के दूसरे किनारे पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है तो ये बना। फिर उन्होंने बोला एक और पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो दिस पॉइंट है ना ये सी पॉइंट है, दिख रहा है ना आपको सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, सी फिगर भी दे दी है तो और अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल उन्होंने दिखा भी दिया डी पॉइंट पे है, तो ये बी सी हमारी कैनाल है, ठीक है ये हमारी कैनाल है जिसके दो किनारे हैं, एक बी पॉइंट पे एक सी पॉइंट पे, मैंने बिल्कुल ही छुपा दिया देखो, ठीक है फिगर भी बोला है। और क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये जो टॉवर है ना टीवी टॉवर, इसकी हाइट निकालनी है, विड्थ ऑफ कैनाल, ये जो मैंने रेड रेड कर दिया ना ये दोनों चीजें निकालनी है। करते हैं इसको अब इरेज ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या फाइंड करना है। एक तो ए बी फाइंड करना है इसको क्वेश्चन मार्क, और एक बी सी फाइंड करना है इसको क्वेश्चन मार्क, समझ में आया, ठीक है तो अब मैं ये क्वेश्चन मार्क भी रेज कर देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है। करें स्टार्ट सॉल्यूशन, दो चीजें फाइंड करनी है फटाफट से करो। ओके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो चीजें हमें मालूम है, ए बी हमें मालूम है, वैल्यू तो नहीं मालूम है फाइंड करनी है, बट ये तो मालूम है ना ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द टॉवर, क्या है नहीं मालूम क्वेश्चन मार्क फाइंड करेंगे। ओके फिर बीसी, बीसी क्या है विड्थ ऑफ द कैनाल, ओके मालूम है नहीं मालूम है क्वेश्चन मार्क। और ये सीडी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, सीडी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ये जो दो पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके जी कितना भाई बताओ बताओ बताओ, ये है 20 मीटर, ओके जी साथ के साथ दो एंगल्स हैं वो भी लिखते हैं, एंगल ए सी बी कितना 60 डिग्री, कमेंट सेक्शन में बताते रहो, एंगल ए डी बी 30 डिग्री, ओके जी हो गया हमारा, सारी फॉर्मेलिटी होगी, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने की बारी आ गई। और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए पहले हम हाईलाइट करते हैं हमारी ये ट्राइंगल्स, इसको ना फिगर को मैं लेकर आती हूँ नीचे और करती हूँ थोड़ा सा इसको इनलार्ज, ठीक है चलते हैं आगे, ठीक है अब हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स हाईलाइट करने वाली हूँ, देखो आप कौन सी ट्राइंगल ले रही हूँ, पहले मैं ले लेती हूँ ए बी सी रेड वाले, ठीक है ये हुई हमारी ए बी सी, ओके ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है दूसरी ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ ग्रीन ले लें, ओके दूसरी ये बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको बच्चा पाती,
ठीक है, और यहाँ पे ये यही हमारा 90 डिग्री। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में हम पहले लिख ही चुके हैं, सॉल्यूशन तो स्टार्ट हो चुका है। ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन सी ट्रायंगल लें, रेड वाली ले लें। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके जी ठीक है, तो ए बी फाइंड करते हैं, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, बी सी को ना मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक्स, इसको यहाँ एक्स ले लेती हूँ, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ओके ए बी बाय बी सी, ए बी क्या होगा, ए बी होगा परपेंडिकुलर, बी सी होगा बेस, क्या होगा पी बाय बी, ये होगा टेंजेंट। और टेंजेंट कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल लिए, रेड वाले लिए, रेड वाला एंगल कौन सा 60 डिग्री। ओके जी, तो ये हो गया ए बी बाय बी सी को एक्स ले लिया हमने, और टेंजेंट 60 डिग्री रूट थ्री। तो फिर बताओ ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें मिलेगी रूट थ्री एक्स। ओके लेटर ऑन इसे यूज करेंगे इसको इक्वेशन वन। लेते हैं अब हम ग्रीन वाली ट्रायंगल, लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी है ग्रीन वाली ट्रायंगल, ए डी बी, और यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे फिर से लेते हैं ए बी अपॉन बेस, इस बार है बी डी। ओके और ए बी परपेंडिकुलर, बी डी माने क्या, माने अच्छा लगा, बी डी माने क्या, बेस पी बाय डी माने क्या, टेंजेंट, और ग्रीन वाली ट्राइंगल का एंगल 30 डिग्री। ओके जी, तो ए बी को तो ए बी रहने दिया, बी डी को हम लिखेंगे डी सी प्लस बी सी। ओके जी इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। ओके जी आगे हम लिखे ए बी डी सी 20, बी सी एक्स इक्वल टू 1/√3। ओके जी करें आगे सॉल्व। ओके तो कर दो ट्रांसपोज, आप भी करो मेरे साथ। तो ये ट्रांसपोज करके 20 + x/√3, रूट थ्री को रैशनलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग लिख दो या सीधा बाय इक्वेशंस, बाय इक्वेशंस वन एंड टू। ओके जी करें कंपेयर, दोनों का एलएचएस ए बी है तो आरएचएस हो जाएगा इक्वेट इक्वल, मतलब रूट थ्री एक्स इक्वल टू 20 + x/√3। कर दो ट्रांसपोज, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एक्स इक्वल टू 20 + x, तो ये हुआ 2x = 20, तो x मिल गया हमें 10 मीटर। ओके अब ये बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन x इन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन वन, तो हो गया ए बी इक्वल टू रूट थ्री एक्स, ए बी इक्वल टू रूट थ्री एक्स की जगह 10, तो ए बी माने 10√3 मीटर। तो ए बी आ गया और x आ गया, क्या फाइंड करना था, ऊपर जाके देखो भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके जी, और हाइट ऑफ द टॉवर ए बी और विड्थ ऑफ द कैनाल बी सी। ओके जी, और बी सी तो हमारा x है और हाइट ऑफ द टॉवर ए बी है, दोनों चीजें हमारे पास आ गई है, लिख देते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द टॉवर इज 10√3 मीटर। ओके जी एंड क्या, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। आओ रेनबो फटाफट से, कहाँ गए आप, जल्दी आओ, ये आ गए हमारे रेनबो। ठीक है, कर दिया हमने हाईलाइट, ये दोनों आंसर को भी कर दो अच्छे से और। ओके ये दो आंसर हमारे और, तो ये भी हमारे हाईलाइट यहाँ पर हो चुके हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचिका मैम के सेशन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल थ्री। चलो बुक में खोलो अपना एग्जाम्पल थ्री और देखते हैं स्टेटमेंट, पढ़ो स्टेटमेंट आपके साथ साथ, एन ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला,
1.5 मीटर टॉल है, मतलब इस बार ये जो पर्सन है ना उसकी हाइट दी है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है जो काफी हाइट होती है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री. ये जो ऑब्जर्वर है गर्ल है, इसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी. ठीक है, तो लगाते हैं अपनी इस इंग्लिश वाले नॉलेज को फिगर वाले नॉलेज में अप्लाई करते हैं. तो एक ऑब्जर्वर है हमारी, ये गर्ल है, तो ये गर्ल मैंने बना दी एक लाइन, बस इतनी ड्रॉइंग आती है मुझे. ठीक है, और एक हमारी ये चिमनी है, ये बना दी मैंने चिमनी. ओके, और ये इनके बीच का डिस्टेंस. ओके जी, तो यही बोला है एन ऑब्जर्वर, ये 1.5 मीटर है चिमनी से, 28.5 मीटर दूर है. ठीक है, चिमनी ले लिया हमने ए बी, गर्ल हमने ले ली सी डी. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम हर आईज, आईज उसके यहाँ ऊपर होगी ना कि नीचे होगी, ऊपर होगी, और चिमनी के टॉप से एलिवेशन का बनेगा ना एंगल. और अब यहाँ पर एंगल के लिए दो लाइंस चाहिए, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, पैरेलल टू ग्राउंड रहेगी. तो ये एंगल यहाँ पर बात हो रहा है, ये कितना है एंगल 45 डिग्री. ओके जी, हमें ये चिमनी ए बी की हाइट जो है फाइंड करनी है. चलिए सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन में बात करेंगे सबसे पहले ए बी की बात कर लेते हैं. ए बी क्या है, द हाइट ऑफ द चिमनी. कितनी भाई, नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क. ओके, सी डी हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर गर्ल, ऑब्जर्वर बोला है उन्होंने, और कितना है 1.5 मीटर. अब ये जो 1.5 मीटर है ना, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यहाँ पर हम एक नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, डी के बाद ई पॉइंट ले लेते हैं, तो बी ई 1.5 मीटर होगा. क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल हुआ ना, तो 1.5 दोनों साइड हम दिखा सकते हैं. ऑल राइट, यहाँ पे हम लिखते हैं ई बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर. ओके जी, तो ये हमारा इस तरह से कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे. आगे हम बढ़ते हैं, ये जो 28.5 मीटर है ना, ये जो ऊपर सी ई है, ये मुझे बताओगे कितना होगा, ये इक्वल होगा डी बी के, और डी बी इक्वल टू 28.5 मीटर है, ये भी हमें पता लग रहा है. बस इतनी ही अंडरस्टैंडिंग करनी है इस क्वेश्चन में. आपको मैं एक मंत्र दूं यहाँ पे, गुरु मंत्र दूं यहाँ पे, एक चीज बताऊं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस की बात होती है और आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाती है, और उसका एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक एंगल अननोन होगा, लेकिन एक जो नोन एंगल है क्लास 10 के हिसाब से, पांचों एंगल्स में से कुछ होगा, मतलब जीरो तो नहीं होता, 90 नहीं होता, पांच तो नहीं रहेंगे, तीन ही रहते हैं, या 45 रहता है, या 30 रहता है, या 60 रहता है. तो यहाँ पे मेरा जो मंत्र है ना, अगर एंगल 45 डिग्री आया तो इसका मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस एंड परपेंडिकुलर सेम होगा, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा, साथ के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, मालूम है. यही अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाहती हूँ. और यहाँ पर ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, मैं आपको हाईलाइट करके देती हूँ, ये है सी से जाते हुए ए से जाते हुए ई तक, और ई से फिर सी तक, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ये एक एंगल 45 है, इसका मतलब ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर के इक्वल होगा. ऑल्दो मेरा रफ फिगर है, नहीं बना है, इसका ये मतलब नहीं है नहीं होगा, रफ फिगर तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन 45 डिग्री होते ही ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, बेस एंड परपेंडिकुलर इसका सेम हो गया. तो अगर इसका बेस जो हम यहाँ शो कर रहे हैं ना 28.5, तो ये ए ई सीधा सीधा 28.5 है हमारा, ठीक है.
बट ऐसे करेंगे नहीं, कैलकुलेट पूरा शो करके तो दिखाएंगे बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें पहले से ही पता है कि 28.5 है, मैंने पहले ही आंसर बता दिया 28.5 और ये नीचे 1.5 ऐड कर दो और ये हमारी हाइट ऑफ चिमनी आ गई, सीधा वर्बली कैलकुलेट हो गया, बट हमें करना तो पड़ेगा प्रॉपरली। ओके जी, ये सारी चीजें बता दी, अब सीधा हम लिखेंगे ये ब्लू वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी ई, जहां पर एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। ए ई हमें फाइंड करना, जबरदस्ती फाइंड करना, पहले ही तो पता है ए ई बाय सी ई मतलब पी बाय बी मतलब टेंजेंट किसका माने 45 डिग्री। ओके ओके, ए ई बाय सी ई है 28.5। ओके, और टेंजेंट 45 वन, ये तो रीजन है, वन हो गया तो इसका मतलब ए ई इक्वल टू 28.5 मीटर हमें तो फाइंड करना है। ए बी जो कि इक्वल है ए ई प्लस ई बी माने क्या 28.5 प्लस 1.5, करो कैलकुलेट ये हुआ 30 मीटर। ठीक है जी, छोड़े आंसर यहाँ पे कभी नहीं, हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी कितनी, बोलो 30 मीटर। आ जाओ रेनबो महाशय, डालो हमारे आंसर को अपने बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चिमनी की हाइट जो है 30 मीटर आ चुकी है। तो बच्चा पार्टी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये है क्वेश्चन 6। टिक लगाते रहो और सॉल्व करते रहो। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, अभी यही है, कभी गर्ल आ रही है कभी बॉय आ रहा है, सारे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने साथ में रखे हैं। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बनाते हैं बिल्डिंग, साथ साथ बनाई देते हैं। ठीक है, ये हमने बनाई बिल्डिंग, ओके, और ये बनाया हमने बॉय, 1.5 मीटर का बॉय है। आपकी हाइट कितनी है मीटर्स में, चेक किया? ओके, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है बॉय, ऑब्वियसली छोटा सा तो लड़का है और बिल्डिंग इतनी बड़ी 30 मीटर्स की। फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बढ़ रहा है 30 टू 60 डिग्री, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, एज ही वॉक्स टुवर्ड, अच्छा बच्चा जो है ना, ये जो बॉय है ना, ये टिक नहीं रहा है एक जगह पे, है ना, बहुत शरारती है आपकी तरह, उसको एक जगह खड़े नहीं रहना, उसको बिल्डिंग के पास जाना है, घर होगा ना उसका, तो वो बिल्डिंग के पास जा रहा है। ओके, अगर वो बिल्डिंग के पास जा रहा है तो ये बॉय पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस ने कवर किया। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स, यही डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना चल कर आया, टिक तो सकता नहीं, टिक जाता तो क्वेश्चन ही ना बनता। अच्छा वो क्वेश्चन बन गया, रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही है, तो हम बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, पहले ये बेचारा यहाँ था, ठीक है, तो इसने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, क्यों देखा भाई, फिर जब यहाँ आया फिर इसने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन गए। नीचे से ये ग्राउंड लाइन भी हम ज्वाइन कर देते हैं और ये टॉप लाइन भी सीधी ज्वाइन करेंगे, ये टॉप लाइन भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो 1.5 मीटर का जो बॉय है, बिल्डिंग 30 मीटर है, बिल्डिंग ले ले हैं, ए बी ले लेते हैं बिल्डिंग, ये 30 मीटर की है। ओके, और बॉय ले लेते हैं सी डी। ठीक है, पहले एंगल कुछ और बन रहा है, चलने के बाद कुछ और बन रहा है, दूर का एंगल पास का एंगल समझ में आया, तो पहले 30 डिग्री है, चल के पास गया तो पास आ गया तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे डी के बाद इसको ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं एफ, जो सी डी है ना बॉय वही ई एफ है बॉय, तो ये भी है 1.5 मीटर। ओके, ये ले लेते हैं जी, तो ये भी 1.5 मीटर, तो ए जी होगा 30 माइनस 1.5 मीटर। ओके, तो ये सारी चीजें स्पेसिफाई भी कर लेते हैं सॉल्यूशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं पहले ए बी के बारे में लिखें, तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके जी,
कितनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर. ओके, सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू, बिल्डिंग के अगर अंदर चला जाता है तो वो हो जाएगा जी बी, है ना, इक्वल टू हाइट, किसकी हाइट, ऑफ द बॉय. ओके, हमारे ये बच्चे महाशय कितनी हाइट लेके बैठे हो, 1.5 मीटर. ओके, साथ के साथ हम यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, ए जी, ए जी हो जाएगा 30 माइनस 1.5. 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29, 29 से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 मीटर. ठीक है, तो ये ऊपर जो हमारा आ चुका है इसको इरेज करके 28.5 मीटर ही कर देते हूँ, ये 30 मीटर भी हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 28.5 मीटर. क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ही वॉक्ड, और कितना वॉक किया उसने, डिस्टेंस सी ई ले लो या डी एफ ले लो, डी एफ ले लो या फिर सी ई ले लो, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय. ठीक है, और यही हमने फाइंड करना है. ऐसा करते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं, इसको एक्स ले लेते हैं, लेट कर देते हैं. ठीक है, और ये यहां मैंने एक्स स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे मैं ई जी को वाई स्पेसिफाई कर देती हूँ. तो हमारा ई जी हम ले लेते हैं क्या, वाई. ठीक है, ताकि अब ट्राइंगल को अच्छे से हम अप्लाई कर सकें ये वैल्यूज. अब क्या करें, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, कौन सी ले, दोनों को एक एक करके लेना तो है ही है. तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ब्लू ट्राइंगल बनाती हूँ. यहाँ पे ट्राइंगल हाईलाइट करते हैं, बड़े वाले सी से ए, ठीक है, ए के बाद जी और जी के बाद हमारी सी. ओके, ये हमारी होगी राइट एंगल ट्राइंगल ब्लू वाली. अगली मैं ले लेती हूँ पिंक वाली, ई से ए, ए से जी और जी और ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं. तो हमारी ये दो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, एक ब्लू वाली और एक पिंक वाली. अब एक एक करके दोनों को लेते हैं, पहले कौन सी ले बताओ, पहले हम पिंक वाली लेते हैं. ओके, इन ट्राइंगल ए ई जी, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, जी 90 डिग्री है. ओके जी, तो यहाँ पर हम वाई को फाइंड करते हैं, मतलब ई जी को फाइंड करते हैं और ए जी हमें मालूम है. तो ई जी माने बेस, ए जी माने परपेंडिकुलर, बी बाय पी माने कॉट और पिंक का एंगल 60 डिग्री. तो ई जी हमने लिया वाई, वाई नहीं क्यू नहीं, वाई वाला अल्फाबेट वाला. ओके, और ए जी 28.5, कॉट 60 डिग्री, बताओ बच्चा पार्टी, 1/√3. ठीक है, तो ये हमें y की वैल्यू दे देगा 28.5/√3. इक्वेशन बना के छोड़ते हैं, रैशनलाइज नहीं करेंगे. दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, कौन सी ट्राइंगल, हमारी नेक्स्ट ट्राइंगल हो जाएगी ब्लू वाली जिसका नाम है ए सी जी. ओके, इन ट्राइंगल ए सी जी, जहां पर एंगल जी ही 90 डिग्री था. ठीक है, बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको करते हैं ताकि हमारी लाइंस और हमारी फिगर दोनों साथ के साथ दिखे. अब ठीक है, अब यहाँ पर ए सी जी ब्लू वाले ट्राइंगल में, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सी जी बाय ए जी. ओके, ए जी को नीचे, इक्वल टू सी जी माने बेस, ए जी माने परपेंडिकुलर, बी बाय पी माने कॉट और ये ब्लू वाले ट्राइंगल का कॉट 30 डिग्री. तो यहाँ पर सी जी, सी जी को रिप्लेस करेंगे अभी हम एक्स प्लस वाई से और ए जी हमारा 28.5 इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, बताओ बच्चा पार्टी कितना है, कॉट 30 डिग्री √3. ओके, चले आगे सॉल्व करें. तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3. अब इक्वेशन 1 से y को पुट कर देते हैं, x प्लस 28.5 upon √3 इक्वल टू 28.5 into √3, रीजन में लिखेंगे बाय इक्वेशन 1. ओके जी, करें सॉल्व,
x इक्वल टू ट्रांसपोज करें 28.5 रूट 3 पहले से ही RHS में, LHS का भी उठ के आ गया माइनस बन के अपॉन रूट 3। क्या करें बच्चा पार्टी, ले लेते हैं LCM रूट 3 तो हमें मिलेगा 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 28.5। आ रही कैलकुलेशन मैथ्स की समझ में? ओके, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलते रहना। तो ये हमें मिला 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। ओके जी, x इक्वल टू 28.5 में यहाँ कॉमन लूंगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ओके, और आगे बढ़ो तो बढ़ते ही रहेंगे हम। एक्स इक्वल, वैसे भी डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का तो बढ़ ही रहा है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं बचे हैं अब आपके पास। ओके, 3 माइनस 1 2 बाय रूट 3। रैशनलाइज करो, अब तो कोई चारा नहीं है, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। ओके, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनलाइज किया हमने तो x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3। ओके जी, चलो और आगे, 28.5 को क्या हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 वन्स आर 3, 3 नाइन्स आर 27, 1 मिला 3 फाइव्स आर 15, तो यहाँ मिला 9.5 इंटू 2 इंटू रूट 3, कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 2 फाइव्स आर 10, 2 नाइन 18 एंड 1 19.0 इंटू रूट 3, माने क्या 19 रूट 3 मीटर्स। ओहो, इतनी लंबी कैलकुलेशन। क्या है एक्स, क्या निकाला हमने? हमने एक्स निकाला जो डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इतना नटखट बच्चा इतनी कैलकुलेशन करवा दी हमसे, देयरफॉर द डिस्टेंस वॉक्ड बाय नटखट बच्चा, बाय द बॉय इज 19 रूट 3 मीटर। अभी बच्चे को डालो इस बॉक्स में, इसके डिस्टेंस को डालो इसके बॉक्स में, और ये हमारा आंसर यहाँ पे 19 रूट 3 मीटर्स आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है रुचिका मैम के पिटारे से जो निकला है। एक्सरसाइज तो बेचारी वही है, क्वेश्चन 14 इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है, आप इम्पोर्टेंट का वहां पे स्टैंप लगा लो। स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट से, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, पहले गर्ल फिर बॉय अब फिर से गर्ल, अब ये गर्ल की कोई शरारत है? गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, स्पॉट मतलब देखा उसने, बैलून देखा, मूविंग विद द विंड, हवा के साथ ये जो बैलून है मूव कर रहा है, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बैलून है हॉरिजॉन्टली, बेचारा उसकी हाइट सेम ही रह रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो बैलून है जमीन से कितना ऊपर है? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, मतलब उस वक्त, कोई वक्त होगा 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, मतलब गर्ल बैलून देख रही है, बैलून उड़ रहा है हवा के साथ, बैलून को जब उसने देखा तो एंगल उसका 30 डिग्री था, और वो एंगल जो है पहले एंगल 60 डिग्री था, बैलून जब दूर गया तो एंगल कम हो गया, बताया था ना मैंने पास वाला एंगल बड़ा, दूर वाला एंगल छोटा, तो वो जब पास में देख रही थी तो 60 डिग्री, दूर चला गया तो 30 डिग्री। सिंपल फिगर भी बना रखी, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, पिछले वाले क्वेश्चन से सिमिलर था, बच्चा भाग रहा था, यहाँ बैलून भाग रहा है, बच्चे की हाइट थी, गर्ल की हाइट है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, यहाँ बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो काफी सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन साथ साथ रखे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनी रहे। इस ये जो एनसीईआरटी में ये आपको फिगर दी है ना, थोड़ा सा इसने कंफ्यूजन दिया हुआ है, बोला है कि जो बैलून है ना उसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 है, तो ये ग्राउंड लेवल ये है हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखना 88.2 ये नीचे तक है यहाँ पर, और ये जो गर्ल है अपनी मदर के साथ जा रही है लगता है, लेकिन गर्ल की हाइट यहाँ पे दी है 1.2 मीटर। तो मैं क्या करती हूँ, ये एक बार फिगर ना
अच्छे से बना लेते हैं अपनी राइट एंगल ट्रायंगल प्लेन फिगर ज्योमेट्री की बना लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर हमारी है ये गर्ल, ठीक है, और ये है हमारा बैलून की फर्स्ट पोजीशन, तो उसकी हाइट के लिए मैं ये पूरी लाइन डाल रही हूँ। फिर बैलून की ये सेकेंड पोजिशन, ठीक है, तो ये बैलून की पोजिशन है, ये बैलून की फर्स्ट पोजिशन, ये बैलून की सेकेंड पोजिशन, और ये हमारी गर्ल है। तीनों का जो ग्राउंड पे है, तीनों का ग्राउंड पे तो नहीं है, बैलून कनेक्टेड है नीचे, हाइट की बात हो रही है। तो गर्ल का जो आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पहले और बाद में, ठीक है, बाद में क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ये मैं लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी शो कर देती हूँ। इस तरह से पॉइंट्स डाल देते हैं, हमारी जो गर्ल है उसको ए बी ले लेते हैं, और जो हमारा बैलून है पहले सी पोजीशन पे था, फिर वो डी पोजीशन पे चला गया, और नीचे ग्राउंड के साथ उसकी हाइट है, ये ई ले लेते हैं और ये एफ ले लेते हैं। जो ग्राउंड के साथ जो हाइट है वो है 88.2, तो टोटल डी एफ है 88.2, सी ई भी 88.2 है, और जो गर्ल है वो 1.2 है, तो ये गर्ल होगी 1.2। ये वाले पॉइंट्स भी ले लेते हैं यहाँ पर, ई एफ के बाद हम ले लेते हैं ये जी, ये ले लेते हैं हम एच, एंगल्स भी शो कर देते हैं। छोटा एंगल दूर जाने पे बना 30 डिग्री, और जब वो पास था गर्ल के तो बड़ा एंगल था 60 डिग्री, ठीक है। सी जी की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, सी जी की वैल्यू होगी 88.2 माइनस गर्ल की हाइट 1.2, ये हो गया 87 मीटर। डी एच भी होगा 87 मीटर, ओके, और ये एच एफ क्या होगा, गर्ल के इक्वल 1.2 मीटर, और यहाँ पर भी जी ई कितना होगा, 1.2 मीटर। सारा कुछ ही मैंने फिगर में एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्यूशन में चलते हैं आगे, जितना भी फिगर में लिखा है सॉल्यूशन में लिखेंगे हम यहाँ पर। ए बी इज हाइट ऑफ द गर्ल, कितनी है बताओ, 1.2 मीटर। आगे चलते हैं, सी ई इक्वल टू डी एफ इक्वल टू हाइट ऑफ बलून, दो बार हाइट है क्योंकि बलून टिक नहीं रहा है ना, पहले बच्चा नहीं टिक रहा था, यहाँ बलून नहीं टिक रहा है, ओके, तो हाइट ऑफ बलून कितनी, 88.2 मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे हम सी जी की वैल्यू, वही है जो डी एच की है, मतलब कि 88.2 माइनस 1.2, और ये हो जाएगा 87 मीटर, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मैं अगर हाईलाइट करूं ना तो हमें ये जी एच फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हमें ये जी एच फाइंड करना है, ठीक है, चले आगे। ओके, तो यहां पर हम दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर लेते हैं, ये जो भी मैंने लाइन डाली है डिस्टेंस बताने के लिए, इसको करते हैं रिमूव, ओके, हो गए रिमूव। अब हम ट्राइंगल्स को हाईलाइट करते हैं, कौन से ट्राइंगल हाईलाइट करें, पहले हम करते हैं 60 डिग्री वाली, ठीक है, तो ए से हम जाएंगे सी तक, सी से जाएंगे जी तक, और जी के बाद हम गए ए में, हमारी ये ट्राइंगल तैयार। अगली ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ पिंक, दूर वाली 30 डिग्री वाली, ओके, तो ये हमारी दूसरी ट्रायंगल भी रेडी हो गई, ओके, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। तो दो ट्रायंगल्स हमारे रेडी हैं, तो दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो पहले कौन सी ट्रायंगल लूं बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, ब्लू वाली ले ले, ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी जी, जहां पे एंगल जी जो है वो 90 है, तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं ए जी पहले, और सी जी हमें मालूम है इक्वल टू ए जी माने क्या, बेस, सी जी माने परपेंडिकुलर, बी बाय पी हो गया कॉट, ब्लू वाली ट्रायंगल है मतलब कि एंगल पास वाला जो कि है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ए जी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। सी जी की वैल्यू 87 हम शो कर चुके हैं, तो 87
लिखते हैं हम सी जी की जगह इक्वल टू कॉट 60 डिग्री कितना हुआ 1/√3। तो ए जी हमें मिल गया यहाँ पे 87/√3 मीटर्स। ओके फिर से मैं ऊपर जाती हूँ, ट्रायंगल लेकर आना पड़ेगा, फिगर को ही लेके आए नीचे, कॉपी करके नीचे लेकर आते हैं। ओके तो ये मेरी फिगर का सिलेक्शन, आ जाओ उसके अंदर, ठीक है, करते हैं कॉपी, लेकर आते हैं नीचे। ओके यहाँ ले आते हैं नीचे, आगे हमारी एजी जो यहाँ पर हमने वैल्यू भी फाइंड की है ना, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आगे में भी यूज होगा। और अभी हम लेते हैं पिंक वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या नाम है पिंक वाले ट्रायंगल का, वो नाम है ADH। और यहाँ पर हम AH को फाइंड करते हैं, AH और नीचे लिखेंगे DH इक्वल टू AH माने बेस, DH माने परपेंडिकुलर, B/P माने cot और एंगल दूर का 30 डिग्री। तो AH जो है वो है हमारा AG प्लस GH और DH तो 87, cot 30 डिग्री हमारा होगा √3। ओके जी तो AG तो अभी हमने कैलकुलेट किया ना, वो रखते हैं 87/√3 प्लस GH तो हमने फाइंड करना है अपॉन 87 इक्वल टू √3। बस अब तो मैथ्स अप्लाई करो, आप अपना अप्लाई करो, मैं अपना, देखते हैं आंसर फटाफट से कौन पहले आंसर फाइंड करता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखो, स्टार तो यहाँ से आ ही रहे हैं, बम्बार्डिंग तो हो रही है। ओके तो ये हमें मिला 87/√3 प्लस GH इक्वल टू 87/√3। GH को आइसोलेट करो, इसको ही तो फाइंड करना है। GH इक्वल टू 87/√3 माइनस 87/√3। क्या करें √3 को ले लेंगे LCM, तो हमें मिलेगा 87/√3 × √3 माइनस 87। करते रहो, पहले बच्चे ने तंग किया, बैलून तंग कर रहा, सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 87 × 3 माइनस 87/√3, तो ये GH हुआ। 87 लेते हैं कॉमन, 87 ले लिया कॉमन, तो अंदर हमें मिला 3 − 1/√3। ओके फर्दर सॉल्व करें, GH इक्वल टू 87 × 3 − 1 = 2/√3। चलो जल्दी सॉल्व करो आप भी, मेरा तो होने वाला है सॉल्व। आगे करें तो ये होगा 87 × 2/√3, कर देंगे इसको रैशनलाइज। फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा GH इक्वल टू 87 × 2 × √3 और अपॉन √3 × √3 हो जाएगा 3। करें कैंसिलेशन, 3 2s are 6, 3 9s are 27। ओके ऑलमोस्ट मेरा तो आंसर आ गया, GH इक्वल टू 29 × 2 हो जाएगा 58√3। आ गया हमारा आंसर, हम लिखेंगे therefore distance covered, सेम लैंग्वेज क्वेश्चन की लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ओके therefore डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ओके इज 58√3 meter। ओके चेक करें, बलून ही था। ओके बैलून के जो डिस्टेंस ट्रेवल आ चुका है और इसको डालते हैं हम बॉक्स में, कलरफुल बॉक्स में, हमारा आंसर फाइनली आ चुका है। पहले बच्चे ने तंग किया, फिर ये बैलून ने, और आंसर के लिए बहुत मेहनत करवाई है। थक गए आप, मैं भी थक गई, अब क्या करें, एक्सरसाइज तो खत्म नहीं हुई, एग्जाम्पल्स भी बाकी है। करते हैं इस एक्सरसाइज और इन्हीं एग्जाम्पल्स को कल फॉरवर्ड करके कल खत्म करते हैं। कल तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे पे चैप्टर खत्म होगा तो अच्छा भी लगेगा, मंडे से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा गुरु मंत्र तो लेते जाओ, कहाँ जा रहे हो, कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग माई इंडिया, और मेरा यहाँ पर आपको गुड बाय।